वेलकम टू माय चैनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट आई एम दीप्ति योर फ्रेंड। आई होप आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपके हेयर शाइन कर रहे हो। गाइस आज की वीडियो में आपको अपने फेस को कैसे डिस्कलरेशन से बचाएं, कैसे फेयर बनाएं या फिर डार्क सर्कल कैसे रिमूव करें, फेस के बारे में आज मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि पेडिक्योर, घर पे पेडिक्योर कैसे करें। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि आप अपने घर पे विंटर सीजन में इस लॉकडाउन में बिना सैलून जाए और अपनी सेफ्टी के साथ घर पे पेडिक्योर कैसे करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाओ, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके ग्रे कलर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पेडिक्योर करने के लिए अपन बिल्कुल ही रेडी हैं। सबसे पहले आपको ले लेना है एक टब जिसमें आपको ले लेना है गर्म पानी, इतना भी गर्म पानी नहीं जिससे आपका पैर जल जाए। आपको इतना गर्म पानी लेना है जिसमें आपको पैर डाल करके बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील हो। फिर इस पानी में हाफ लेमन को स्क्वीज कर दें और इसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल और अच्छे से मिक्स कर दें। मैं एक बार पानी में पैर डाल करके देख लेती हूँ कि पानी ज्यादा गर्म तो नहीं हुआ है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है पानी में पैर डाल करके। गाइस तो आप इसके बाद आप कोई सा भी लिक्विड डाल सकते हैं। मैं क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश डाल रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी फेस वॉश डाल सकते हैं या बॉडी वॉश डाल सकते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसमें अपने पैर को डाल लें। पैर डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक के लिए पैर उसी में रखे रहने दें, जिससे आपके पैर की जितनी भी गंदगी होगी वो आसानी से निकल जाएगी और आपके पैर की स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे हम अपने पैर की गंदगी अच्छे से निकाल पाएंगे। फिर मैं ले रही हूँ एक लूफा, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप अपने पैर को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट अपने पैर को पानी में रखने के बाद इसे आप अपने पैरों पे यूज करें। इसे अच्छे से अपने पैर पे रब करें, जेंटली रब करें, ज्यादा फोर्स ना करें। इस पूरी प्रोसेस को आप अपने पूरे ऊपर के पैर तक कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस स्टोन का यूज कर रही हूँ, ये स्टोन आपको जो रेत आती है उसमें आसानी से मिल जाएंगे या फिर मार्केट में आता है आप बाय कर सकते। इसे अपनी एड़ियों पे रब करें और अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद अपने फिंगर्स की नेल्स की हेल्प से अपने फीट के नेल्स को क्लीन कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये प्रोसेस करने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपके नेल्स इतने ज्यादा साफ हो गए हैं, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इस पूरी प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करें एंड देन उसके बाद आपको इसे अपने पैरों पे लगाना है। ये एक होममेड स्क्रब है जिसे हम अपने पैरों पे लगाने जा रहे हैं और इसे कुछ इस तरीके से लगाना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। गाइस मैं ये पूरी प्रोसेस इस टब के अंदर ही करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेस क्रिएट हो जाएगा अगर इसे मैं फ्लोर पे करती हूँ तो। और आप भी एक टब के अंदर ही इस पूरी प्रोसेस को करिएगा, जिससे बार बार आप टब को क्लीन कर सकेंगे और अपने पैरों को भी इजिली क्लीन कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको इस स्क्रब को बनाने के लिए कौन कौन से अपने किचन में से इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है। इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको चाहिए एक टमाटर, स्मॉल साइज का टमाटर भी चलेगा। फिर आपको लेनी है थोड़ी सी कॉफी, आप किसी भी ब्रांड की कॉफी ले सकते हैं। उसके बाद लेना है आपको शुगर, मैंने कुछ ज्यादा ही शुगर को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पाउडर फॉर्म में कर दिया। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मेरे पास बड़े दानों वाली शक्कर थी इसलिए मैंने ऐसा किया तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर आपके पास छोटे दानों वाली चीनी है तो आप उसे यूज करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद लेना है बेसन, सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच बेसन लेंगे, 1 चम्मच कॉफी लेंगे यानी कॉफी पाउडर, उसके बाद 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तैयार है आपका स्क्रब। फिर टमाटर को कट करेंगे और हाफ टोमेटो को इस स्क्रब में डिप करके अपने पैरों पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। टमाटर को थोड़ा थोड़ा स्क्वीज करते रहें और अपने पैरों पे रब करते रहें। अगर आपके पैरों के लिए हाफ टोमेटो का स्लाइस इनफ नहीं है तो आप सेकंड स्लाइस को भी यूज कर सकते हैं। देखा कितना मेस क्रिएट होने वाला था, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को और हर एक प्रोसेस को टब में ही किया है ताकि मैं इजिली अपने पैरों को और टब को भी क्लीन कर सकूं बिना फ्लोर को गंदा किए। तो देखिए ये स्क्रब कितना ज्यादा इफेक्टिव था, मेरे पैरों पे जितनी भी डेड स्किन थी सब चली गई, मेरे पैर बहुत ही अच्छे से साफ हो गए, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है। देन उसके बाद मैंने एक टॉवल की हेल्प से अपने पैरों को ड्राई कर लिया। उसके बाद इस पैक को अपने पैरों पे लगाएं। आई एम डैम श्योर इस पैक को अगर आपने अपने पैरों पे फर्स्ट प्रोसेस के बाद लगा लिया मजा आ जाएगा। गाइज ये इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग प्रोसेस है ना, जो आपके पैरों को इतना ज्यादा स्मूथ
साफ बना देगा, आपके पैरों से डार्कनेस को रिमूव करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इस पैक को कैसे बनाना है। सबसे पहले लेना है आपको एक कच्चा आलू, एक नींबू, थोड़ा सा राइस फ्लोर। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो आप कच्चे चावल को मिक्सर ग्राइंडर में कूट करके भी उसका पाउडर यूज कर सकते हैं, और हनी। सबसे पहले एक बोल लें और कच्चे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लें। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आलू का जूस डार्कनेस को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर ग्रेट किए हुए आलू यानी पोटैटो को कंटेनर में डाल करके उसका जूस निकाल लें। इस कच्चे आलू का जूस निकालने के बाद एक एम्प्टी बोल लें, उसमें 2 चम्मच आलू का जूस डालें और 2 चम्मच राइस फ्लोर को ऐड करें। उसके बाद नींबू लें, उसे अच्छे से कट कर लें, उसके बीजों को हटा दें, फिर हाफ लेमन को स्क्वीज कर लें और इसमें हनी ऐड करें। आपको सिर्फ हाफ स्पून हनी ही ऐड करना है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करते टाइम मुझे फील हो रहा है कि कुछ ज्यादा ही थिक अमाउंट में ये पेस्ट बन रहा है, तो मैं सारा पोटैटो जूस इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब बहुत सारा पोटैटो जूस ऐड करने के बाद मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही थिन हो रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा राइस फ्लोर ऐड कर दे रही हूँ। हाँ, अब बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में ये पैक बनके तैयार है। मैं इस पैक को नींबू के छिलके की हेल्प से अपने पैरों पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर आखिरी में आपको अपने हाथ का ही यूज करना है। फिर बचे हुए पैक को अपने हाथ में लें और अपने पैरों को अच्छे से स्क्रब करें। ये पैक ना ही सिर्फ एक स्किन व्हाइटनिंग पैक का काम करेगा, साथ ही साथ ये एक स्क्रब का भी काम करेगा। पूरे पेडिक्योर में मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग स्टेप यही लगती है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होता है इसका। 4th and last step है इस पैक को अपने पैरों पे लगाना। इस पैक को लगाने के बाद आपकी स्किन ग्लोइंग दिखने लगेगी, स्मूथ रहेगी और इस पेडिक्योर के इफेक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी। इस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन और गुलाब जल। मैं डाबर का गुलाब जल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का गुलाब जल यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके गुलाब जल ऐड करें एक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। देन उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लें और इसे डेली अपने पैरों पे अप्लाई कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ अपने हाथों से ही। और अच्छे से पूरे पैर को, हर एक एरिया को कवर करें, डार्क एरिया को अच्छे से कवर करें, थोड़ा थिक अप्लाई करें और 20 मिनट के लिए इसे अपने पैरों पे लगा हुआ छोड़ दें। ध्यान रखें 20 मिनट तक अच्छे से छोड़ें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पैक है जो आपकी स्किन को व्हाइटनिंग करेगा, ब्राइटनिंग करेगा, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देगा। तो जितना रख सकते हैं रखिए, लेकिन 20 मिनट तो रखिए ही। उसके बाद अच्छे से मसाज करते हुए पानी से साफ कर लें और आपके पैर चमकते हुए आपको दिखेंगे। इतना सॉफ्ट फील होगा ना गाइस, इतना सॉफ्ट फील होगा। और सबसे मेन स्टेप, पूरी प्रोसेस, इन चारों प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइजर अपने पैर में लगा लीजिए। बहुत अच्छे से थोप थोप के लगा लीजिए, थोपने की तो जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा भी लगाएंगे। उसके बाद आपके पैर इतने सॉफ्ट, इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा गाइस। उसके बाद अच्छे से सॉक्स पहन लीजिए और सो जाइए। बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है पेडिक्योर करना, इतना रिलीफ फील होता है, इतना हाइजीनिक फील होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहें आपको कम से कम 15 दिन में एक बार पेडिक्योर जरूर करना चाहिए, अपने पैरों को हाइजीनिक रखने के लिए, साफ रखने के लिए और सुंदर रखने के लिए। तो गाइज इसे यूज कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा रिजल्ट मिला। आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो जाइए घर पे बैठ के पेडिक्योर कीजिए, गरम गरम पानी में पैर डालिए और ऐसे ही बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके ग्रे कलर का कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते, तो आप मुझे मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे बता सकते हैं। ये साइड में मैंने अपना इंस्टा का प्रोफाइल शेयर किया है, अगर अच्छा लग रहा हो तो विजिट जरूर कीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।